अब फाइनली इसकी फोर्थ जनरेशन आने वाली है इंडिया में। DRL जो आपको L शेप में दिए गए हैं और जो कार की लुक को काफी ज्यादा, कार के बैक में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत मेजर चेंजेस नहीं नोटिस में आएंगे। जनरेशन में आपका आर्म रेस्ट ऐड किया गया है, दैट इज विदाउट स्टोरेज, सिंपल आपको आर्म रेस्ट दिया गया है। स्विफ्ट का नाम लेते ही ना हमारे दिमाग में आता है मारुति, और मारुति की आइडेंटिटी जिस गाड़ी ने बनाई है वो गाड़ी स्विफ्ट है। जब ये गाड़ी आई थी ना स्विफ्ट, तो उस टाइम पर इनिशियली एकदम से ऐसा हो गया था कि यार लोगों को बिल्कुल इसकी शेप पसंद नहीं आई थी कि यार कैसी अजीबोगरीब सी गाड़ी है, बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं कर रहे। बहुत सारे, मेरे को याद है मेरे पापा मुझे कहते थे कि अरे ये जो गाड़ी की शेप है ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अप्रिशिएट की जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद की जाती है, लेकिन हमें इंडियंस को उस टाइम पर ये डिज़ाइनिंग बहुत अजीब लग रही थी, बहुत बेढंगी मैं कहूँगी कि यार कैसी गाड़ी बनाई है। लेकिन विद टाइम लोगों ने इस कार को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत लाइक किया, बहुत गाड़ी को पसंद किया गया, बहुत गाड़ी बिकी है धड़ल्ले से। उसके बाद आने वाले टाइम में और बिकती गई और बिकती गई। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई जो उसकी सेकंड जनरेशन थी, उसे भी लोगों ने दिल से पसंद किया, वो भी बहुत ही ज़्यादा गाड़ी बिकी। थर्ड जनरेशन खूब बिकी है भाई इनकी। अब फाइनली इसकी फोर्थ जनरेशन आने वाली है इंडिया में, लेकिन ये जो गाड़ी है फोर्थ जनरेशन ये लॉन्च हो चुकी है जापान में, मीन्स ग्लोबली अपना डेब्यू कर चुकी है, लेकिन बस इंडिया में आने का इसका वेट है। कार के फ्रंट की अगर आप बात करेंगे तो जो ग्रिल स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा सा डिज़ायर जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि डिज़ायर की ग्रिल ही यहाँ पे लगा दी गई है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है उससे। जो आपका हेडलैम्प सेटअप है वो आपका प्रोजेक्टर LED सेटअप यहाँ पर दिया गया जो आपको पहले भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो एड ऑन चीज़ है वो है DRL जो आपको L शेप में दिए गए हैं और जो कार की लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। इन टोटल हम जो अगर फ्रंट लेआउट की बात करते हैं, जो शेप की बात करते हैं, उसको बिल्कुल मैं बोलूँगी ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है उसके साथ, लेकिन हाँ ये जो चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं, जो मेजर चेंजेस हम बोलेंगे कि ग्रिल को थोड़ा सा बदला गया है, लाइट का सेटअप थोड़ा सा चेंज किया गया है, डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा काम किया गया है, उसकी वजह से गाड़ी आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है। साइड में आप मूव करेंगे तो आपको एक लाइन दी गई है जो अलॉन्ग द लेंथ आपकी मूव करती है, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। अलॉयज आपको इस बार ड्यूअल शेड में मिलने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। शेप की मैं बात आपको बता ही चुकी हूँ कि शेप के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, वो अनचेंज्ड है आपकी, और उसकी वजह से वो जो कार का सोल है ना उसको मेंटेन रखा है कंपनी ने, जो रिक्वायर्ड भी था। एक चीज़ आपके नोटिस में यहाँ पर आएगी, जो मेजर चेंज भी हम बोलेंगे कि जो पहले हमारा डोर हैंडल था जो आपका पहले सी पिलर के अंदर मर्ज होता था, उसको अब वहाँ से हटा के ऊपर से नॉर्मल जहाँ पे आपके नॉर्मल कार के अंदर डोर हैंडल होते हैं वहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, जो काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मुझे भी पर्सनली वो ऊपर वाला नई पोजीशनिंग पसंद आती थी। कार के बैक में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत मेजर चेंजेस नहीं नोटिस में आएंगे, लेकिन यस जो आपके टेल लैंप है उनके साइज़ को इंक्रीज़ किया गया है। इस बार आपको LED टेल लैंप मिलने वाले हैं, और जो आप नीचे का लोअर बम्पर पार्ट नोटिस करेंगे वहाँ पे ब्लैक एलिमेंट को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन टोटल कार का बैक प्रोफाइल भी आपको स्मार्ट लगेगा। कार के इंटीरियर में अगर हम लोग मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपको पहले ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता था, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत उससे गाड़ी ना डिम लगती थी, छोटा सा कैबिन लगता था, अब उसको ड्यूअल शेड में किया गया है, वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से नंबर वन आपको कैबिन ज़्यादा बड़ा लगता है, नंबर टू जो लग्जरी है कार की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी प्रीमियम सा आपको फील आता है, एम्बियंस को आप इसके इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंटीरियर के अंदर जो आपको लगेगा कि सीधा उठा के बलिनों से यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, जैसे अगर हम लोग बात करें AC वेंट्स की, स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट आपको मिलने वाला है इसके अंदर, आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलेंगे, दोनों आपके वायरलेस हैं, साथ में ही आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसके अंदर आपको जो गेज दिए गए हैं वो एनालॉग मीटर्स हैं, और सेंटर में आपका एक छोटा सा MID स्क्रीन है जिसपे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कार की, जैसे आपकी ट्रिप क्या है, आपकी माइलेज क्या है, ये सब चीज़ें छोटे से स्क्रीन में आपको लिखी हुई दिखाई देगी जैसे आपको बलिनों में दिखाई देती है। और आपको एड ऑन में यहाँ पर UV कट ग्लासेस मिलने वाले हैं, आपको पैडल शिफ्टर मिलने वाले हैं। अच्छा, पैडल शिफ्टर से मुझे ध्यान आया आपको दो टाइप का ट्रांसमिशन मिलेगा इसमें, एक आपका मैनुअल है, दूसरा आपका CVT है, और तीसरा आपका यहाँ पर आपको वॉइस गाइडेंस भी मिलने वाली है, जिसे आप वॉइस असिस्ट भी कह सकते हैं कि आप कुछ बोलेंगे गाड़ी उसको रिकॉग्नाइज करेगी, समझेगी उस आपके कमांड को और उसके हिसाब से ऑपरेट करेगी। बाकी आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, की आपकी एग्जैक्टली सेम है जैसे आपको पहले मिलती थी। यहाँ पर ना स्विफ्ट में थोड़ी सी दिक्कत थी लोगों को कि यार इसमें आर्म रेस्ट नहीं दिया जाता, स्टार्टिंग से लेकर आज तक कभी इसको नहीं दिया गया, लेकिन यस फोर्थ जनरेशन में आपका आर्म रेस्ट ऐड किया गया है, दैट इज़ विदाउट स्टोरेज, सिंपल आपको आर्म रेस्ट दिया गया, जैसे आपको स्कॉर्पियो वगैरह में मिलता है ना, साइड में सिर्फ हाथ रख सकते हो, जगह नहीं है कुछ रखने की, लेकिन हाथ रखने का सपोर्ट मिल जाएगा एंड दैट इज़ इनफ। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलेगा और ऑटो होल्ड फीचर है जो जापान वाली स्विफ्ट के अंदर तो है, अब इंडिया वाली में मिलेगा मुझे नहीं पता, बट अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें बस ये होता है कि आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ब्रेक को तो आपकी गाड़ी होल्ड हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक हीटेड सीट का ऑप्शन भी है जो बाहर वाली स्विफ्ट के अंदर है, इंडिया में मुझे नहीं पता
लगता भी नहीं मुझे वैसे दिया जाएगा, लेकिन उस फीचर की खासियत यह है कि उसमें क्या किया गया है इन्होंने कि आगे वाली सीट तो हमारी हीट हो जाएगी, अब उस सीट के अंदर ही नीचे के साइड में पीछे की तरफ एक डक्ट दिया गया है जिसकी हेल्प से जो वहाँ पे वो हीटिंग हो रही है, वो जो एयर है वो आपको पीछे वाले पैसेंजर्स को भी मिल जाएगी, तो उनकी सीट तो गर्म नहीं हो रही लेकिन ऐसे उनके पैर अच्छे खासे गर्म हो जाएंगे, वो एरिया थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा यार कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बोल दी यार, वहाँ मिल रही है यहाँ नहीं मिल रही, वहाँ मिल रही है यहाँ नहीं मिल रही। अब आता है मेन मुद्दे पे जिसमें हमारा दिल खुश हो जाता है, वो है इंजन, जो उन्हें नहीं मिल रहा हमें मिल रहा है। वहाँ पे जो इंजन मिल रहा है दैट इज़ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर का 1.2 लीटर का इंजन वहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इंडिया के अंदर भी 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है लेकिन वो आपका 4 सिलेंडर के साथ है, मींस यहाँ पे 3 ही सिलेंडर है, यहाँ पे 4 सिलेंडर हो गए। एक सिलेंडर बढ़ने से आपको क्या होगा, जो आपकी पावर है आपकी टॉर्क है वो दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगी, आपको ज़्यादा गाड़ी के अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ फील होती है, रिफाइनमेंट फील होती है। तो वही वाली एक चीज़ आ गई कि छोटी छोटी चीज़ें दे दो भाई उन्हें, हमें मेन मुद्दे के ऊपर बात करनी है जो है हमारा इंजन, वो यहाँ की गाड़ी में आपको बेटर मिल रहा है। बाकी बाहर की कंट्री में यहाँ पे एडास ऑफर किया जा रहा है इस कार के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं किया जाएगा। उसके बेसिक से आपके वो है यार, मतलब प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकी ब्रेज़ा में भी नहीं आता भाई, तो स्विफ्ट के अंदर तो सवाल नहीं उठता, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, स्किप कर देते हैं। और वो मुझे लगता नहीं इतने छोटे साइज़ की गाड़ी में इतना अडास वडास की ज़रूरत भी होती है। तो प्राइस के पॉइंट से भी हम बोलें तो ठीक है, ये चीज़ें हटा दी गई है, और रफ़ एंड टफ़ अगर हम कार का यूसेज करते हैं और मेंटेनेंस को कम रखना चाहते हैं उसके हिसाब से भी ठीक है कि इस चीज़ को नहीं रखा गया है। अभी मैंने आपको बताया इस कार के अंदर आपको 2 टाइप के ट्रांसमिशन ऑफर किए जा रहे हैं जो ग्लोबली हैं, वन इज़ मैनुअल, अदर वन इज़ CVT, और CVT जो आपका है वो आपका माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है। इंडिया के अंदर हमें CVT नहीं मिलता, इंडिया के अंदर हमें AMT ऑफर किया जाता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर अभी नहीं है। वहाँ पर जो माइल्ड हाइब्रिड के साथ वो लोग क्लेम कर रहे हैं वो 25K अप्रॉक्स कर रहे हैं, अगर वो उसको फुल ऑन हाइब्रिड कर देते तो शायद आपकी माइलेज 30+ चली जाती। मुझे लगता है यहाँ पर नॉर्मल स्विफ्ट हमारी जो है AMT की अगर मैं बात करूँ तब भी 25K एवरेज दे देती है यार, तो मतलब नॉट अ बिग डील, ठीक है भैया, और प्राइस भी नहीं बढ़ रहा हम लोगों का, हम बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है, मतलब बहुत मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमें सस्ता दिया गया है तो बहुत कुछ बेकार चीज़ें दे दी गई हैं। मेरे को स्विफ्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद गाड़ी है, आप बिना कन्फ्यूजन के इसको ख़रीद सकते हैं। सिर्फ एक पैरामीटर आपके दिमाग को कन्फ्यूज़ करता है, दैट इज़ सेफ्टी, उसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए, अदरवाइज़ हर चीज़ बहुत परफेक्टली इस कार के अंदर गिवन है। फैमिली के लिए बहुत परफेक्ट कार है ये, आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील होता है, बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी, रोड प्रेजेंस बहुत सुंदर है इस गाड़ी की, हर तरीके से लव्ड कार है यार, मतलब इंडिया में बिक रही है और हम भी इंडियन है तो मतलब मैं तो पसंद करती हूँ इस कार को। बाकी आपकी क्या चॉइस है बताना मुझे कमेंट्स में।